ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका आज की एक और नए वीडियो में। आज जो दोस्तों है क्लास नंबर 5 है और इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं और उसको एनिमेट कर सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियोस को देखा होगा जहाँ पे हम जो टेक्स्ट है वो मूव करता हुआ दिखता है। तो काइन मास्टर में ये क्या फीचर्स अवेलेबल है? जी हाँ, ये फीचर्स आपको काइन मास्टर में देखने को मिलता है। और किस प्रकार से आप एनिमेट कर पाओगे? कुछ आपको इनबिल्ट एनिमेशन देखने को मिलता है और कुछ आपको की मदद से भी एनिमेट कर सकते हैं। हालांकि जितने भी एनिमेशंस हैं वो आपको बेसिक एनिमेशंस देखने को मिलेगा, बट ये एनिमेशंस बहुत ही कमाल के एनिमेशंस हैं और आपके जनरल यूजेस में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को, सीखते हैं आज के टेक्स्ट एनिमेशंस के बारे में। चलते हैं सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं यहाँ अपने स्क्रीन के ऊपर और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लिया है, वाइट बैकग्राउंड को। तो बैकग्राउंड किस प्रकार से लगाते हैं ये वीडियो मैंने आपको पहले ही अपने वीडियो में बताया है। ये चीज़ें आपको पहले वाले वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अभी हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं यहाँ पर और उसको एनिमेट कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानने वाले हैं। तो टेक्स्ट को हमें लगाने के लिए यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना होगा और यहाँ आप देख सकते हो एक आपको मिल रहा होगा ऑप्शन टेक्स्ट का। टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, उसके बाद हमको बहुत सारी यहाँ पे जो भी टेक्स्ट हमको डालना है वो हम यहाँ पर एंटर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आप लिख देता हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और यहाँ लगा देता हूँ मैं दिस वीडियो। ओके, और यहाँ से मैं करना है मेरे को प्रेस ओके। अब आप ये देख पाओगे कि ये जो हमारा एक टेक्स्ट है वो आ गया है। ठीक है, अब इसको हम होल्ड प्रेस एंड होल्ड करके इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं। ये जो आपको बीच में लाइन दिखता है ये सेंटर का लाइन, ठीक है, ये देख सकते हो अब ये सेंटर में हो गया है चीज़ें। ठीक है, अभी आप देखो इसमें क्या क्या फीचर्स आपको देखने को मिलता है यदि आप इस लेयर पे हो। बेसिकली एक लेयर होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे और भी लेयर को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हैं और इसकी ड्यूरेशंस को हम लोग प्रेस एंड होल्ड करके बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं आपको कौन कौन सा एनिमेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक एनिमेशन आता है आपको फेड का, ठीक है, ये आपको कुछ इस टाइप का दिखेगा, धुंधला सा होते हुए आपको गाढ़ा बनता दिखेगा। इसकी ड्यूरेशंस को आप चेंज कर सकते हैं, टू, ये जो आपको दिख रहा है ये बेसिकली सेकेंड में है, तो 2 सेकेंड्स, 3 सेकेंड, 2.5 सेकेंड्स, तो ये उतने ड्यूरेशंस के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यदि आप हाफ चाहते हो तो आप यहाँ पर ला सकते हो 0.5। इसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर आपको देखने को, जैसे कि स्लाइड डाउन, ये नीचे की तरफ आएगा, स्पिन CW, ये क्या है आपको मूव कर सर्कल में देखेगा आपको, ये होता है वाइप राइट, आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। एक है लेटर बाय लेटर, इसको मैं थोड़ा सा स्पीड को और ड्यूरेशंस कम कर दे रहा हूँ। तो ये हो गया आपका वाइप राइट, कुछ इस टाइप का दिखेगा, ये हो गया आपका लेटर बाय लेटर, इसमें आपको एक एक लेटर देखने को मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिलता है और आई थिंक ये इतना काफ़ी है। ये होगी बात इन एनिमेशंस की। ठीक है, हम इसको नन कर देते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमें एक एनिमेशन चाहिए जो लेफ्ट से राइट की ओर ये टेक्स्ट आए, तो सबसे पहले हमें क्या कर लेते हैं, इसे कलर को चेंज कर लेते हैं। कलर को चेंज करने के लिए यहाँ पे क्लिक करना है और मैं इसको थोड़ा सा रेड रखना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर रेड कर लिया और थोड़ा सा ये ऊपर रेड, यहाँ से कर देते हैं डन। अब आप देख सकते हो उसमें आपको पीछे एक सीड देखने को मिल रहा होगा, एक छाया देखने को मिल रहा होगा, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हमको हटाना है। ठीक है, तो उसको हटाने के लिए हम बेसिकली इस नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाते हैं, ये देखिए शैडो का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये शैडो को आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिएगा तो आपको कुछ इस टाइप का टेक्स्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा आप यहाँ से आउटलाइन को भी लगा सकते हैं, ये तो ये आउटलाइन है यहाँ पर ग्रे कलर का, तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ ब्लू करके। ठीक है, तो देखिए ब्लू करने के बाद इसका जो आउटलाइन है किस टाइप का दिखता है देख सकते हैं आप, आपको शायद दिख रहा होगा हल्का हल्का जो है ना, ये देखिए मैं आपको डिसेबल किया तो ऐसा, इनेबल किया तो ऐसा, तो ये आउटलाइन है। ग्लो करा सकते हैं आप, ताकि जो लेटर्स है वो ग्लो कर सकता है, इसके ओपेसिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लो करने के लिए हम ओपेसिटी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, ये अपने अनुसार
ये निर्भर करता है। तो इसको ग्लो को हम ऑन करेंगे तो देखिए चमकना शुरू हो जाएगा। ये हो गया हमारा शेडो, इसको हम ऑफ कर दिए, इसको ग्लो को भी ऑफ कर देते हैं। यदि मुझे चाहिए कि मुझे एक बैकग्राउंड चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड चाहिए मुझे कि एक ब्लैक बैकग्राउंड या रेड बैकग्राउंड, ये तो यहाँ रेड मेरा टेक्स्ट है ही, तो मैं एक ब्लैक बैकग्राउंड लेता हूँ यहाँ से ये ऑन। अब आप देख सकते हो ये जो ब्लैक बैकग्राउंड है ये रेड के साथ मैच नहीं कर पा रहा है, तो फिलहाल इसको हम वाइट ही कर देते हैं, तो या हम इसको येलो कर देते हैं ताकि प्रॉपर दिखे ये चीज़, ठीक है। अब देखो ये दिख रहा है, बट ये जो ग्लो कर रहा है वो भी हमारा येलो ही है, इसको ब्लैक कर लेते हैं ग्लो को और देखते हैं। अब देख सकते हो ये परफेक्ट लग रहा है। अब ये देखिए जो बैकग्राउंड है इसकी ओपेसिटी को हम बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरा डार्क दिखे, हम इसको लग रहे हैं 90-91 करीब में, और यहाँ से आप उसके कलर को भी चेंज कर पाओगे। तो ये देखो अब ये परफेक्ट टाइप का दिख रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो बैकग्राउंड है ये इस छोर से लेकर के इस छोर तक, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा हो। तो ये देखिए लिखा हुआ है फुल विथ, ये लिखा हुआ है आपका फुल विड्थ बैकग्राउंड, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना और आप ये पूरा हो जाएगा कन्फर्म। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, अब देख सकते हो ये हो गया हमारा पूरा फुल विड्थ, ठीक है। अब इसको हम एनिमेट करते हैं, हमको चाहिए लेफ्ट टू राइट, मुझे मतलब यहाँ से यहाँ आना चाहिए और फिर लास्ट वक्त जाते वक्त इधर से इधर चला जाना चाहिए। तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल करूँगा यहाँ से, आइए एक बार चेक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ से स्क्रॉल करते हैं नीचे की तरफ और मुझे एक ऑप्शन दिखेगा नीचे इंटर स्लाइड लेफ्ट, ये आ गया आपका लेफ्ट से, मेरे को राइट चाहिए, तो ये आ गया आपका राइट से, ठीक है। अब ये राइट से आया हुआ है, अब मुझे चाहिए कि लेफ्ट में वापस चला जाए, तो आउट एनिमेशन पर जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे, ठीक है, और एग्जिट राइट, तो ये राइट निकल जाएगा, अगर हम इसको देखें एग्जिट लेफ्ट तो ये लेफ्ट निकल जाएगा। तो यहाँ से इसके ड्यूरेशन को हम दो कर देते हैं सेकंड। अब इसको देखेंगे हम प्ले करके, तो ये चीज़ें आई, और जब ये ख़त्म होगा यहाँ, मतलब जहाँ तक आपका ड्यूरेशन होगा यहाँ तक ड्यूरेशन है, तो जाते वक्त ये यहाँ से चला जाएगा। इसमें हम ओवरऑल एनिमेशन भी ऐड कर सकते हैं, चला गया। अब मुझे चाहिए, मुझे ओवरऑल एनिमेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा ओवरऑल में, यहाँ पे कोई भी एनिमेशन है, मैं ब्लिंक शो, ये आपको देखिए इस प्रकार दिखेगा, ब्लिंक ब्लिंक फ्लिकर ऐसा दिखेगा आपको, फाउंटेन ये देखिए आपका हो गया फाउंटेन टाइप, तो जैसा ये हो गया रिंग, ये हो गया फ्लोटिंग, ठीक है। तो ये सभी एनिमेशंस आपको इनबिल्ड देखने को मिलता है। यहाँ से आप चाहो तो इसकी ओपेसिटी को भी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, ये देखिए ये है ओपेसिटी इसकी, हम ओपेसिटी को ज़्यादा और कम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए ये हो गया ओपेसिटी आपकी 37 से 100% तक, ठीक है। तो ये है चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इसका एक और मैं पार्ट लाऊंगा जहाँ मैं आपको और चीज़ें बताऊंगा, टेक्स्ट और एनिमेशन से कुछ और भी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। और बस इस वीडियो में इतना ही, आइए आगे और बढ़ेंगे, और आज की वीडियो ख़त्म नहीं होती है, एक और इसका मैं पार्ट बनाऊंगा, पार्ट नंबर टू इसी के ऊपर, ठीक है, चलिए। दोस्तों ये थी आज की हमारी टेक्स्ट एंड एनिमेशंस की वीडियो, जहां मैंने आपको टेक्स्ट के कलर फॉन्ट उसके अलावा इसको किस प्रकार से एनिमेट कर पाएंगे उन सभी चीजों को हम लोगों ने देखा। एनिमेशंस आपका किस प्रकार से हो सकता है, मैं बात करूंगा आपसे इन एनिमेशंस की, आउट एनिमेशंस की, आप सभी लोगों ने देखा ओपेसिटी को जाना क्या है, किस प्रकार से उसमें आप बैकग्राउंड को ऐड कर पाओगे, और भी सारी चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया है। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी और आपको ये अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर से कर देना, एक चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर से कर दो, क्योंकि हमारी वीडियो काइन मास्टर के ऊपर बहुत सारी वीडियो बन चुकी है, आपने नहीं देखा है तो नीचे दर्ज डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, जहां से आप देख पाओगे। तो बस यार थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ, फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।